नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। मेरा ये जो आज का वीडियो है, आज का मेरा वीडियो हस्त ज्योतिष यानी कि पामिस्ट्री के ऊपर आधारित होने वाला है। आज मैं एक और हाथ में बनने वाले शुभ चिन्ह के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे देना चाहता हूं। जी हां मित्रों, आने वाले 15 अगस्त को मैं YouTube पर लाइव आकर प्रश्नोत्तरों का जवाब दूंगा। तो अगर आप में से कोई भी साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र अपनी कुंडली से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में, कोई एक प्रश्न, कोई एक क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपनी जो है जन्म कुंडली की डिटेल भेज सकते हैं। डिटेल में आपको अपनी डेट, टाइम और बर्थ प्लेस के साथ आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए। अगर आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो मुझे सीधा व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिए, ताकि उस समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। अगर आप मुझे पहले भेजेंगे तो मेरे लिए आपको जवाब देना जो है आसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नोत्तरों के प्रश्न मेरे सामने आए जिसमें मैं काफ़ी लोगों के बारे में शायद ना बता पाऊँ। तो इसलिए अगर आप पहले भेजना चाहते हैं तो पहले भेज सकते हैं। अगर आप उस समय लाइव में ही डिटेल देना चाहेंगे तो लाइव में ही आप डिटेल मुझे दे दीजिए। जैसे भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, आप वैसा आप कर सकते हैं। आपको सूचना देना मेरा फर्स्ट था, वो मैंने दिया। 15 अगस्त को किस टाइम पे लाइव होऊंगा इसकी सूचना आपको एक दिन पहले ही जो है यूट्यूब पर या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात, वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं बता रहा था कि आज का मेरा वीडियो पामिस्ट्री पर आधारित है, हस्त ज्योतिष पर आधारित है। और आज मैं बात करूंगा एक और शुभ चिन्ह की जो हमारे हाथ में बनता है। जी हाँ, वो है मछली का साइन, फिश साइन। मछली का साइन अगर आपके हाथ में बनता है तो इसका क्या मायने है या ये क्या मतलब रखता है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। देखिए, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है, शुभता की निशानी है। अगर आपके हाथ में मछली यानी कि फिश का साइन बन रहा है तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरह से पावर का काम करती है, बूस्ट का काम करती है। किसी भी चीज को बूस्ट देने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये चिन्ह बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन फिश का साइन बनना चाहिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाथ में द्वीप का साइन बन रहा होता है, लोग इसे फिश का साइन समझ लेते हैं, जबकि दोनों के जो मायने है, अर्थ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। द्वीप बहुत ही अशुभ चिन्ह है और जो फिश का या मछली का साइन है वो बहुत ही शुभ चिन्ह है। मैं थोड़ा सा आपको फोटो में बता दूं, आपको आसानी रहेगी देखने में। देखिए, अगर इस तरह का साइन बनता है इस तरह से, चाहे वो ऐसे यहाँ पे खुला हो सकता है या यहाँ पे इस तरह से बंद भी हो सकता है, इस तरह का अगर साइन बनता है तो आप समझे कि ये फिश का साइन है। लेकिन अगर किसी रेखा से जुड़ते हो सकता है कि आपकी जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से या हृदय रेखा से कोई लाइन इस तरह से हल्की से पतली सी निकले जो द्वीप का साइन बनाए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मछली का साइन बन गया। देखिए, ये मछली का साइन ऐसा बनेगा, स्पष्ट नजर आएगा। लेकिन अगर द्वीप का साइन बनता होगा तो वो इस तरह से नजर आएगा। तो कई बार कोई दूसरी लाइन यहां से जा रही होती है तो लोगों को लगता है कि ये मछली का साइन है, ये द्वीप का साइन होता है। मछली का साइन मैंने आपको बता दिया, वो इस तरह से होगा। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपके जुपिटर पर्वत पर मछली का साइन बन रहा है। देखिए, जुपिटर ये ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का कारक है, हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह। अगर जुपिटर पर्वत पर मछली का साइन बनता है तो इसका मतलब कि आपकी गिनती विद्वानों में की जाएगी, आप की जो गिनती है वो बुद्धिजीवियों में होगी, आपको समाज से बहुत ही मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, आप ऊंची पदवी को प्राप्त होंगे। और आप अगर किसी को कुछ करने के लिए आदेश देंगे, कुछ आज्ञा देंगे, तो वो आपकी आज्ञा और आपके आदेश को भी अपना सम्मान समझकर उसको फॉलो करेगा।
अगर गुरु पर्वत पर मछली का साइन बनता हुआ आपको नजर आए तो उसके ये फल होंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर सूर्य पर्वत पर मछली का साइन बन रहा है तो सूर्य यानी कि आपको सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप सरकारी नौकरी में ऊंची पदवी को ऊंचे पद को आप प्राप्त होंगे, समाज में आपका बहुत ही अच्छा नाम, बहुत ही अच्छा मान, बहुत ही अच्छा सम्मान, सम्मान में आप समाज में आपकी यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली होगी। तो इसी तरह से आप देखिए कि वो मछली का साइन आपको कहां बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या गुण और दोष है, और जहां पे भी मछली का साइन बन रहा है वहां पर आप उस जो पर्टिकुलर जगह है उसकी शुभता बढ़ जाएगी, अशुभ फलों में बहुत ही हद तक कमी आ जाएगी, शुभ फल बहुत ही अधिक उस जातक को मिलेंगे जिसके हाथ में ये मछली का साइन बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरा ये वीडियो बस आज का इतना ही, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम ट्विटर और कू ऐप पर अवेलेबल है तो वहां पे मेरे आप अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं अलग अलग जानकारी ज्योतिष से संबंधित प्रेषित करता रहता हूँ। और फिर से वही बात, 15 अगस्त को मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा, आपकी कुंडली से संबंधित आपके किसी एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। किस समय पर लाइव आऊंगा उसकी जानकारी आपको एक दो दिन पहले दे दी जाएगी। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय माता दी।